सोच समझ करके देश को संकटों से बाहर लाए हैं। ये देश ऐसे ही आशीर्वाद नहीं दे रहा है। आदरणीय सभापति जी, यहां सदन में अंग्रेजों को याद किया गया। अनबिकमिंग कॉन्डक्ट, प्लीज कंटिन्यू। नो प्लीज प्लीज। आदरणीय सभापति जी, इस सदन में अंग्रेजों को याद किया गया। अब राजा महाराजाओं का तो अंग्रेजों के साथ गहरा नाता रहा था उस समय, तो अब मैं जरा पूछना चाहता हूं कि अंग्रेजों से कौन इंस्पायर्ड था। मैं तो ये तो नहीं पूछूंगा कि कांग्रेस पार्टी को जन्म किसने दिया था, ये तो मैं नहीं पूछूंगा। आजादी के बाद भी देश में गुलामी की मानसिकता को किसने बढ़ावा दिया? अगर आप अंग्रेजों से प्रभावित नहीं थे तो अंग्रेजों की बनाई दंड संहिता पिनल कोड आपने क्यों नहीं बदली? आदरणीय सभापति जी, अगर आप अंग्रेजों से प्रभावित नहीं थे तो अंग्रेजों के जमाने के सैकड़ों कानून क्यों चलते रहे? आप अगर अंग्रेजों से प्रभावित नहीं थे तो लाल बत्ती कल्चर, ये लाल बत्ती कल्चर इतने दशकों बाद भी क्यों चलता है? अगर आप अंग्रेजों से प्रभावित नहीं थे तो भारत का बजट शाम को 5 बजे इसलिए आता था क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट का सुबह शुरू होने का समय होता था। ये ब्रिटेन की पार्लियामेंट के समय के अनुकूल शाम 5 बजे बजट की परंपरा क्यों चलाए रखी थी आपने? कौन अंग्रेजों से इंस्पायर था? अपर आप अंग्रेजों से प्रेरित नहीं थे तो हमारी सेनाओं के चिन्हों पर आज भी गुलामी के प्रतीक अब तक क्यों बने हुए थे? हम एक के बाद एक हटा रहे हैं। अगर आप अंग्रेजों से प्रेरित नहीं थे तो राजपथ को कर्तव्य पथ बनने के लिए मोदी का इंतजार क्यों करना पड़ा? आदरणीय सभापति जी, अगर आप अंग्रेजों से प्रभावित नहीं थे तो अंडमान और निकोबार इन द्वीप समूहों पर आज भी अंग्रेजी सत्ता के निशान क्यों लटके पड़े थे? आदरणीय सभापति जी, अगर आप अंग्रेजों से प्रभावित नहीं थे तो ये देश के सेना के जवान देश के लिए मन मिटते रहे, लेकिन देश के जवानों के सम्मान में एक वॉर मेमोरियल तक आप बना नहीं पाए थे, क्यों नहीं बनाया? अगर आप अंग्रेजों से इंस्पायर्ड नहीं थे, प्रभावित नहीं थे, तो भारतीय भाषाओं को हीन भावना से क्यों देखा? स्थानीय भाषा में पढ़ाई के प्रति आप लोगों की बेरुखी क्यों थी? आदरणीय सभापति जी, अगर आप अंग्रेजों से प्रेरित नहीं थे तो भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी बताने में आपको कौन रोकता था? आपको क्यों महसूस नहीं हुआ कि दुनिया में, आदरणीय सभापति जी, मैं सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं कि आप किस प्रभाव में काम करते थे और देश को सुनते, ये सारी बातें याद आने वाली है। आदरणीय सभापति जी, मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। कांग्रेस ने नैरेटिव फैलाया और इस नैरेटिव का परिणाम क्या हुआ कि भारत की संस्कृति और संस्कारों मानने वाले लोगों को बड़े हीन भाव से देखा जाने लगा, धकियानों से मानने लगा गया, और इस प्रकार से एक हमारे अतीत के प्रति अन्याय करने की नौबत आई है। अपनी मान्यताओं को गाली देते हैं, अपनी अच्छी परंपराओं को गाली देते हैं तो आप प्रोग्रेसिव हैं? इस प्रकार के नैरेटिव गढ़े जाने लगे देश में, और उसका नेतृत्व कहां होता था ये दुनिया भली भांति जानती है। दूसरे देश से आयात करना, उसको गर्व का और भारत की कोई चीज है तो दूसरे दर्जे की है, ये स्टेटस बना दिया गया था। ये स्टेटस सिंबल बाहर से आया, मेड इन फॉरेन स्टेटस बना दिया था।
ये लोग आज भी वोकल फॉर लोकल बोलने से बच रहे हैं, मेरे देश के गरीबों के कल्याण का काम हो रहा है। आज आत्मनिर्भर भारत की बात उनके मुंह से नहीं निकलती है, आज मेक इन इंडिया कोई बोलता है तो उनके पेट में चूहे दौड़ने लग जाते हैं। आदरणीय सभापति जी, देश ये सब देख चुका है और अब समझ भी चुका है और उसी का परिणाम आप भुगत भी रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में विस्तार से सब चार सबसे बड़ी जातियों के विषय में हम सबको संबोधित किया था, युवा, नारी, गरीब और हमारे अन्नदाता। हम जानते हैं इनकी समस्याएं ज्यादातर एक समान है, उनके सपने भी एक समान है और उसके समाधान अगर करने हैं तो थोड़ा 19-20 का फर्क पड़ेगा, लेकिन इन चारों वर्गों के समाधान के रास्ते भी एक ही हैं और इसलिए उन्होंने बहुत ही उपयुक्त रूप से राष्ट्र का मार्गदर्शन किया है कि इन चार स्तंभों को मजबूत करिए, देश विकसित भारत की तरफ तेज गति से आगे बढ़ेगा। आदरणीय सभापति जी, अगर हम 21वीं सदी में हैं, हम विकसित भारत के सपनों को इसी सदी में 2047 तक स्वीकार करना सिद्ध करना चाहते हैं तो 20वीं सदी की सोच नहीं चल सकती। 20वीं सदी का स्वार्थी एजेंडा, मैं और मेरा वाला जो खेल है ना, वो 21वीं सदी में देश को समृद्ध नहीं, विकसित भारत नहीं बना सकता है। कांग्रेस इन दिनों काफी बातें हो रही जाति की, फिर से एक बार क्यों जरूरत पड़ेगी उनको मैं तो नहीं जानता हूं, लेकिन अगर उनको जरूरत पड़ी है तो पहले जरा अपने गरीबान में झांके, उनको पता चलेगा क्या किया है। दलित, पिछड़े और आदिवासी, कांग्रेस जन्मजात उनकी सबसे बड़ी विरोधी रही है। और मैं तो कभी कभी सोचता हूं अगर बाबा साहब न होते ना तो शायद कि एससी एसटी को आरक्षण मिलता कि नहीं मिलता, ये भी मेरे मन में सवाल उठता। आदरणीय सभापति जी, और मैं ये कह रहा हूं इसके पीछे मेरे पास प्रमाण, इनकी सोच आज से नहीं उस समय से ऐसी है, मेरे पास प्रमाण, और मैं प्रमाण के सिवाय मैं यहां कहने के लिए नहीं आया। आदरणीय सभापति जी, और जब बातें वहां से उठी हैं तो फिर तैयारी रखनी चाहिए, उनको मेरा परिचय तो हो चुका है, 10 साल हो गए। एक बार, और मैं आदरपूर्वक नेहरू जी को इन दिनों ज्यादा याद करता हूं क्योंकि हमारे साथियों की अपेक्षा रहती है कि जरा उनको तो बोलो, कुछ तो बोल रहा थे। अब देखिए, एक बार नेहरू जी ने एक चिट्ठी लिखी थी और ये चिट्ठी मुख्यमंत्रियों को लिखी थी, मैं उसका अनुवाद पढ़ रहा हूं। उन्होंने लिखा था, ये देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी द्वारा उस समय के देश के मुख्यमंत्रियों को लिखी गई चिट्ठी है, ऑन रिकॉर्ड है, मैं अनुवाद पढ़ता हूं। मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता और खासकर नौकरी में आरक्षण तो कतई नहीं। मैं ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ हूं जो अकुशलता को बढ़ावा दे
जो दोयम दर्जे की तरफ ले जाए, ये पंडित नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को लिखी हुई चिट्ठी है। और तब जाकर के मैं कहता हूं ये जन्मजात इसके विरोधी है। नेहरू जी कहते थे अगर एससी एसटी ओबीसी को नौकरियों में आरक्षण मिला तो सरकारी काम का स्तर गिर जाएगा। और आज जो आंकड़े गिनाते हैं ना कि इतने यहां है इतने यहां है, उसका मूल यहां है, क्योंकि उस समय उन्होंने रोक दिया था रिक्रूटमेंट ही मत करो। अगर उस समय सरकार में भर्ती हुई होती और वो प्रमोशन करते करते आगे बढ़ते तो आज यहां पर पहुंचते। सभापति जी, ये कोर्ट में पढ़ रहा हूं, आप वेरीफाई कर सकते हैं, मैं पंडित नेहरू का कोर्ट पढ़ रहा हूं। प्लीज। और आदरणीय सभापति जी, लीडर ऑफ अपोजिशन वॉज हर्ड इन रैप्ड अटेंशन, आर यू सेटिंग दिस एग्जाम्पल? लीडर ऑफ अपोजिशन, आदरणीय सभापति जी, प्लीज सिट डाउन, सिट डाउन। आप तो जानते हैं नेहरू जी ने जो कहा वो कांग्रेस के लिए हमेशा से पत्थर की लकीर होता है। नेहरू जी ने कहा मतलब पत्थर की लकीर उनके लिए, दिखावे के लिए आप कुछ भी कहें लेकिन आपकी सोच ऐसे कई उदाहरणों से सिद्ध होती है। मैं अनगिनत उदाहरण देख सकता हूं लेकिन मैं एक उदाहरण जरूर देना चाहता हूं और वह उदाहरण मैं जम्मू कश्मीर का देना चाहता हूं। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के एससी एसटी ओबीसी को 7 दशकों तक उनके अधिकारों से वंचित रखा। आर्टिकल 370 मैं हम कितनी जीतेंगे उसकी बात अभी नहीं कर रहा हूं। आर्टिकल 370 को निरस्त किया तब जाकर के इतने दशकों के बाद एसटी एसटी ओबीसी को वो अधिकार मिले जो देश के लोगों को बरसों से मिले हुए थे, इसको रोक के रखा था। जम्मू कश्मीर में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट उनको प्राप्त नहीं था। जम्मू कश्मीर में प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट नहीं था, ये हमने 370 हटाकर ये अधिकार उनको दिए। हमारे एससी समुदाय में भी सबसे पीछे पीड़ित कोई रहा तो हमारा वाल्मीकि समाज रहा, लेकिन हमारे वाल्मीकि परिवारों को भी 7 दशक के बाद भी जम्मू कश्मीर में रहे, लोगों की सेवा करते रहे लेकिन डोमिसाइल का अधिकार नहीं दिया गया। ये है। और मैं आज देश को भी अवगत करना चाहता हूं कि स्थानीय निकायों में, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स में ओबीसी के आरक्षण का विधेयक भी कल 6 फरवरी को लोकसभा में भी पारित। आदरणीय सभापति जी, एससी एसटी ओबीसी उनको बड़ी भागीदारी ने में कांग्रेस और साथियों को हमेशा परेशानी रही है।
बाबा साहब की राजनीति को, बाबा साहब के विचारों को खत्म करने के लिए कोई कसर उन्होंने छोड़ी नहीं है। वक्तव्य अवेलेबल है, चुनाव में क्या क्या बोला गया वो भी अवेलेबल है। इसको भारत रत्न भी देने की तैयारी नहीं थी, वो भी भाजपा के समर्थन से और सरकार बनी तब बाबा साहब को भारत रत्न। इतना ही नहीं, सीताराम केसरी अति पिछड़ी जाति से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष उठा करके फुटपाथ पर फेंक दिया गया। ओबीसी वो वीडियो अवेलेबल है, वो देश ने देखा सीताराम केसरी के साथ क्या हुआ। और आदरणीय सभापति जी, इनके एक मार्गदर्शक अमेरिका में बैठे, सभापति जी इनके एक मार्गदर्शक अमेरिका में बैठे। सर ओनली द एड्रेस विल गो ऑन रिकॉर्ड, जो ओनली एड्रेस नो, पिछले चुनाव में हुआ तो हुआ के लिए फेमस हो गए थे और कांग्रेस इस परिवार के काफी करीबी है। उन्होंने अभी अभी संविधान निर्माता बाबा साहब आम्बेडकर के उनके योगदान को छोटा करने का भरपूर प्रयास किया। आदरणीय सभापति जी, देश में पहली बार एनडीए ने एक आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति बनाने के लिए प्रस्ताव, उनको उम्मीदवार बनाया। आपका हमसे वैचारिक विरोध हो वो एक बात है, अगर हमसे वैचारिक विरोध होता आपने सामने कैंडिडेट खड़ा किया होता मैं समझ सकता था, लेकिन वैचारिक विरोध नहीं था। क्यों? क्योंकि हमारे यहां से गया हुआ व्यक्ति आपने उम्मीदवार बनाया, इसलिए वैचारिक विरोध नहीं था। आपका विरोध एक आदिवासी बेटी के लिए था और इसलिए आपने, और ये जब सांगमा जी चुनाव लड़ रहे थे वो भी एक आदिवासी दौर जी, उनके साथ भी यही किया गया था। और आज तक सभापति जी, राष्ट्रपति जी का अपमान करने की घटनाएं कम नहीं है, पहली बार इस देश में हुआ है। उनके जिम्मेवार लोगों के मुंह से ऐसी ऐसी बातें निकली है, शर्म से माथा झुक जाए। राष्ट्रपति के लिए ऐसी भाषा बोली गई है, मन में जो कसक पड़ी है ना वो कहीं ना कहीं इस प्रकार से निकलते रहती है। एनडीए के अंदर हमने 10 साल काम करने का मौका मिला, हमने पहले दलित को और अब आदिवासी को, हमने हमेशा हमारी प्राथमिकता क्या है सब। आदरणीय सभापति जी, जब हम हमारी सरकार के परफॉर्मेंस की बात करता हूं, एनडीए की जो गरीब कल्याण की नीतियों की बातें करता हूं, थोड़ा सा अगर उस समाज को निकट से जानते हो, आखिर कौन समाज है लाभार्थी, कौन लोग हैं, ये झुग्गी झोपड़ी में किसको रहने के लिए जिंदगी गुजारनी पड़ रही है, किस समाज के लोग, मुसीबतों से गुजरना पड़ता है, व्यवस्थाओं से वंचित रहना पड़ा, कौन समाज है। हमने जितना काम किया है ना, ये एससी एसटी ओबीसी आदिवासी इसी समाज के लिए है। कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोगों को पक्का घर मिला है तो मेरे इस समाज के बंधुओं को मिला। स्वच्छता के अभाव में हर वर्ष बीमारी से जूझना पड़ता था, उनको सर स्वच्छ भारत अभियान का लाभ देने का काम सभापति जी हमारी योजनाओं के तहत मिला है, ताकि उसको अच्छी जिंदगी जीने का अवसर मिला। इसी परिवारों के हमारी माताएं बहनें धुएं से खाना पका पका करके अपने स्वास्थ्य के संकट को झेल रही थी, हमने उनको उज्ज्वला गैस दिया, वो इन्हीं परिवारों का।
मुफ्त राशन हो, मुफ्त इलाज हो, इसके लाभार्थी यही मेरे परिवार थे, जो समाज के इस वर्ग के मेरे परिवारजन हैं, जिनके लिए हमारी सारी योजनाएं काम कर रही है। आदरणीय सभापति जी, यहां पर कुछ ऐसा नैरेटिव रखा गया, कम से कम तथ्यों को इस प्रकार से नकारना किसका भला होगा? आप ऐसा करके अपनी क्रेडिबिलिटी भी खो रहे हैं, अपनी प्रतिष्ठा भी खो रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, यहां शिक्षा के भ्रामक आंकड़े रखे गए, गुमराह करने का कैसा प्रयास होगा?